अनामिका सिंह इंडिविजुअल टॉप 5 खबरों में आपका स्वागत है। घूस कांड में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के ओएसडी को किया गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ओएसडी बताया जा रहा है। अपने दफ्तर में कार्यरत ओएसडी की गिरफ्तारी पर मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया आई है। वहीं मनीष सिसोदिया ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ओएसडी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीएम मोदी का असम दौरा आज, बोडा समझौते की खुशी और पीएम के स्वागत में दियो से जगमगाया कोकराझार। संसद में नागरिकता कानून पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहले असम दौरे पर आज यानी 7 फरवरी को जा रहे हैं। पीएम मोदी हाल ही में हुए बोडा समझौता को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए असम के कोकराझार का दौरा करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के 6 महीने के एहतियातन हिरासत पूरी होने से महज कुछ घंटे पहले बृहस्पतिवार यानी 6 फरवरी को उनके खिलाफ जन सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे पहले दिन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव तथा पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर और पीडीपी के वरिष्ठ नेता सरताज मदनी पर भी पीएसए लगाया गया है। वहीं निर्भया केस, नए डेथ वारंट के लिए तिहाड़ की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी आज। दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा नए सिरे से मृत्यु वारंट जारी करने को लेकर गुरुवार को दायर याचिका पर मौत की सजा पाए 4 दोषियों से शुक्रवार तक जवाब मांगा। अदालत आज इस पर सुनवाई करेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों की याचिका पर चारों दोषियों को शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें, मधुबनी से देवघर जा रही यात्रियों से भरी बस बांका में पलटी, 22 लोग घायल। बांका से देवघर मार्ग पर शुक्रवार की सुबह यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस मधुबनी से देवघर जा रही थी। दुर्घटना में बस पर सवार करीब 22 लोग जख्मी हो गए, इनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।